What's up everyone, welcome back to our beautiful channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है समीर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन से रेपिटेटेड एग्जाम दे सकते हो जो आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए सपोर्ट करेगा और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एंट्री का टिकट देगा। दोस्तों, ये रेपिटेटेड एग्जाम से जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम होता है दैट इज CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, पिछले 3-4 सालों में भारत में जितनी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, जिनमें एक सबसे बड़ा नाम आता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू राइट एंड IGIDR, और उसके अलावा और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी गोखले, हैदराबाद, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इन सबको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इन सबका एक ही पेपर होगा, लेकिन वो एक पेपर होगा बट उसका एक स्कोर आएगा और ये फिर यूनिवर्सिटीज अपने कट ऑफ अलग अलग निकालेंगी। यदि आपको JNU जाना है तो आपको CUET का एग्जाम देना है, यदि आपको DSC जाना है, IGIDR जाना है, हैदराबाद जाना है, या आपको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जाना है, या उसके अलावा और भी इसके अंदर कुछ 50 के आसपास यूनिवर्सिटीज को ऐड किया गया है, यदि आपको उनमें से कहीं पर भी जाना है तो दोस्तों आपको CUET एग्जाम देना होगा। बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। माइक्रो, मैक्रो, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल इकोनॉमी, थोड़ा बहुत पब्लिक इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये कुछ थोड़ा आता है और ये डोमेन पेपर होता है। इसके साथ ही दोस्तों आपका एक 25% का जर्नल पेपर भी होता है, उसमें आपकी इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स ये पूछी जाती है और इस पेपर में स्कोर करना थोड़ा इजी भी होता है। बट यूनिवर्सिटी वाइज जैसी जो यूनिवर्सिटी उतनी ही उनकी कट ऑफ वो दोस्तों वेरी करती है। तो दोस्तों अगर आपको उन यूनिवर्सिटीज में जाना तो दोस्तों आपको CUET एग्जाम देना होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको और इंफॉर्मेशन आगे की वीडियोस में दूंगा। उसके बाद IIT जैम। दोस्तों, आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद साइंस साइड से हों और आफ्टर 12 उनका IIT में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था और IIT में वो नहीं जा पाए थे, तो बहुत सारे लोगों के पास एक ऑप्शन और ओपन हो जाता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद IIT से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो। ठीक है, IIT जैम, इसमें आपका IIT दिल्ली भी है, IIT रुड़की भी है, IIT मद्रास भी है, इसमें और भी है। ठीक है, इसमें कुछ 4 या 5 IITs हैं जो आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की डिग्री प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद दोस्तों ISI MSE। दोस्तों, ये भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक्स के लिए जो आपको 3:1 का रेशो देता है, यानी एक बच्चे को गाइड करने के लिए, पढ़ाने के लिए 3 मेंटोर्स होते हैं। इसके पूरे कैंपस में आपको 100 से ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे, इसके पूरे कैंपस में आपको टीचर ज्यादा दिखेंगे, मेंटोर ज्यादा दिखेंगे, स्टूडेंट्स आपको कम दिखेंगे। दोस्तों, अगर आप ISI से मास्टर्स करते हैं MSE, मास्टर इन साइंस ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, अगर आप यहाँ से अपनी मास्टर डिग्री करते हैं तो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना बढ़िया पैकेज लगेगा शायद ही किसी और का आपके पूरे खानदान में लगा हुआ हो। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है शिव नादर यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये HCL कंपनी के मालिक जो है शिव नादर, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बना रखी है और ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा दोस्तों साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, IIFT है, अशोका यूनिवर्सिटी है और MSE है यानी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो दोस्तों, ये 8 एग्जाम से रेपुटेटेड, जिनमें आप मोरलेस मान के चलें 15 से 18 यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं। कॉलेजेस आप यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो और कॉलेज भी कह सकते हो, जैसे JNU है, JNU कैंपस भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है। DSC है, DSC कॉलेज है राइट। उसके अलावा IIT है, IIT एक मेन हब है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेट में IITs आ जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों ये बाकी सब ISI MSE, शिवनादर, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, IIFT, अशोका, MSE, ये कॉलेजेस हैं जिनकी जो सीट्स मोरलेस रहती है। अगर मैं सभी की सीट लगा लूं तो ध्यान रखना आपके पास टॉप रेटेड रेपुटेड 1500 से लेकर 2000 सीट्स हैं, आपके पास 1500 से लेकर 2000 सीट्स हैं, और कम कर लूं और फिल्टर कर दूं तो ध्यान रखना तब भी आपके पास 800 से लेकर 1000 सीट्स हैं। ये वो सीट्स हैं, यदि आपकी इतनी रैंक भी आती है या फिर आप अगर टफ कंपटीशन समझ पा रहे हो तो आपका जो कंपटीशन है वो 800 से 1000 लोगों के बीच में, या और अगर आप थोड़े पढ़ने में खराब हो तो आपका कंपटीशन मैक्सिमम 2000 लोगों में, उसके अलावा के लोग जो होते हैं वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं होते। तो जितनी भी मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया तरीके से इसको अपने दिमाग में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।